झाबुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पेटावद पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। कांग्रेसी कार्यकर्ता मन्ना हामड़ ने कहा कि सिंधिया गद्दार है, जहां किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के गद्दार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आज आपको थाने में किस संबंध में लेके आया, क्या कारण है? थाने में हमको नहीं लाया, हमारे कार्यकर्ताओं को लाए थे। कुछ जो गद्दार ज्योतिराव सिंधिया हमारे झाबुआ जिले के पेटावद विधानसभा में आया है आज, जो किसानों से गद्दारी करी इसने और अतिथियों से गद्दारी करी और बहुत से काम होना थे कांग्रेस सरकार में, इसने गद्दारी करके सत्ता पलट करा, तो उसको हमने काले झंडे दिखाए, उसके विरोध करा उसका। उसके पहले ही हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को उठा लिए, उनसे मिलने हम थाने में आए। ये 12 कार्यकर्ता हमारे इनको बिठा लिए थाने में कि विरोध न करे। फिर भी जो विरोध होना है वो तो हुआ ही सही, काले झंडे दिखाए थे वो, तो इस गद्दार को बख्शेंगे नहीं। जहां जाएंगे वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको काले झंडे दिखाएंगे। जय कमलनाथ।